हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की विज्ञान के बारे में, यानी कि साइंस। तो इसमें अभी तक हम लोग 15 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका 16वां चैप्टर है, प्रकाश। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के बारे में। संसार को हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञान इंद्रियों से जानते हैं। ज्ञान इंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है। इसकी सहायता से हम पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधों, कुर्सियों, मनुष्यों तथा अपने चारों ओर की अन्य अनेक वस्तुओं को देखते हैं। हम आकाश में बादल, इंद्रधनुष तथा उड़ते पक्षियों को भी देखते हैं। रात्रि में हम चंद्रमा तथा तारों को देखते हैं। दृष्टि द्वारा ही हम आप इस पृष्ठ पर छपे शब्दों तथा वाक्यों को देख पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सब देखना कैसे संभव हो पाता है? वस्तुओं को सादृश्य कौन बनाता है? वस्तुओं को दृश्य आकर कौन बनाता है? क्या कभी आपने सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्रों से देखते हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? इसका अर्थ है कि केवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। किसी वस्तु को हम तब ही देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारी नेत्रों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। आपने कक्षा 7वीं में सीखा है कि कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होगा? आइए इसे ज्ञात करते हैं। परावर्तन का नियम, क्रियाकलाप 16.1। किसी मेज या ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की एक सीट लगाइए, एक कंघा लीजिए और इसके इसके बीच के एक दांते को छोड़कर सभी खुले स्थानों को बंद कर दीजिए। इस कार्य के लिए आप काली कागज की एक पट्टी प्रयोग कर सकते हैं। कंघे को कागज की सीट के लंबवत करिए। एक टॉर्च की सहायता से कंघे के खुले स्थान पर एक ओर से प्रकाश डालिए। टॉर्च और कंघे के थोड़े से समायोजन के पश्चात आप कंघे के दूसरी ओर कागज की सीट के अनुदेश प्रकाश की एक किरण देखेंगे। कंघे तथा टॉर्च को इस स्थिति में स्थिर रखिए। प्रकाश किरण के गमन पथ के सामने समतल दर्पण को एक पट्टी रखिए। आप क्या देखते हैं? इस तरह से दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाता है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। याद रखना, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए, इतनी इन दोनों शब्दों की परिभाषा बताने के लिए एक पूरी कहानी गढ़ी गई थी। देखिए, आपको समझाने के लिए बड़े साधारण शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, और अगर आप लोग अच्छे से धैर्य के साथ सुनते हैं तो आराम से समझ में आ जाता है। प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्श सीकरण है। वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज के लिए किरण शब्द का उपयोग करते हैं। अपने मित्रों की सहायता से कागज पर समतल दर्पण की स्थिति तथा आपतित एवं परावर्तित किरणों को दर्शाने वाली रेखाएं खींचिए। दर्पण तथा कंघे को हटाइए। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए
एक रेखा खींची। यह रेखा परावर्तित पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण को मापिए। इस क्रियाकलाप को आपतन कोण परिवर्तित करके कई बार दोहराइए। प्रेक्षकों को सारणी लिख सकते हैं। परावर्तन कोण और ये आपका आपतन कोण अभिलंब। आगे चलते हैं। क्या आप आपतन कोण तथा तो परावर्तन कोण के बीच का कोई संबंध देखते हैं? क्या ये दोनों लगभग बराबर हैं? यदि यह क्रियाकलाप सावधानी पूर्वक किया जाए तो यह देखा जाता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन के नियमों से एक है। आइए परावर्तन से संबंधित और एक और क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 16.2। क्रियाकलाप 16.1 को दोबारा कीजिए। इस बार किसी सख्त कागज की सीट अथवा चार्ट पेपर का उपयोग कीजिए। सीट मेज के किनारे से थोड़ी बाहर निकली हुई होनी चाहिए। सीट के बाहर निकले भाग को बीच से काटिए। परावर्तित किरण को देखिए। सुनिश्चित कीजिए कि परावर्तित किरण कागज के बाहर निकले भाग पर भी दिखाई दे। कागज के बाहर निकले उस भाग को मोड़िए जहां पर परावर्तित किरण दिखाई दे रही है। क्या आप अब भी परावर्तित किरण देख पाते हैं? कागज को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाइए। क्या आप फिर से परावर्तित किरण को देख पाते हैं? इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? चित्र एक और चित्र बी को देखिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित अभिलंब एक ही तल में होते हैं। जब मेज पर कागज की पूरी सीट फैलाते हैं तो यह एक तल को निरूपित करता है। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी इसी तल में होते हैं। जब आप कागज को मोड़ देते हैं तो आप एक नया तल बना देते हैं जो उस तल से भिन्न होता है जिसमें आपतित किरण तथा अभिलंब स्थित हैं। तब आप परावर्तित किरण नहीं देख पाते। यह क्या निर्देशित करता है? यह दर्शाता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। यह परावर्तन का एक अन्य नियम हो गया। पहेली तथा बूझो ने उपयुक्त क्रियाकलाप टॉर्च के स्थान पर सूर्य को प्रकाश स्रोत के रूप में उपयोग करके कक्ष के बाहर किया। आप भी प्रकाश स्रोत के रूप में सूर्य का उपयोग कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों को किरण वर्ण रेखा उपकरण का उपयोग करके भी किया जा सकता है। बूजो को याद आया कि उसने कक्षा 7वीं में समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के कुछ लक्षणों का अध्ययन किया था। पहेली ने उससे उन लक्षणों के स्मरण करने के लिए पूछा। क्या प्रतिबिंब सीधा अथवा उल्टा है? क्या प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर था? क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई दिया था जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी थी? क्या प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता था? आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप से समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में कुछ और अधिक समझें। क्रियाकलाप 13.3। समतल दर्पण PQ के सामने एक प्रकार का प्रकाश का स्रोत O रखा गया है। दर्पण पर दो किरणें OA तथा OC आपतित हो रही हैं। क्या आप परावर्तित किरणों की दिशा ज्ञात कर सकते हैं? देख लीजिए पहले PQ, ये आपका वो हो गया। समतल दर्पण PQ के पृष्ठ के बिंदुओं के तथा सी पर अभिलंब खींचिए, फिर बिंदु ए तथा सी पर परावर्तित किरणें खींचिए। आप इन किरणों को कैसे खींचेंगे? परावर्तित
परावर्तित किरणों को क्रमशः ए बी तथा सी डी से निरूपित कीजिए। इन्हें आगे की ओर बढ़ाइए, क्या ए मिलती हैं? अब इन्हें पीछे की ओर बढ़ाइए, क्या आप भी मिलती हैं? यदि ये मिलती हैं तो इस बिंदु पर आई अंकित कीजिए। क्या परावर्तित किरणें ई पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु आई से आती विदित होती हैं? क्या परावर्तित किरणें वास्तव में आई पर नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई विदित होती हैं? इसलिए हम कहते हैं कि बिंदु ओ का आवासी प्रतिबिंब आई पर बनता है। आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप स्मरण याद करिए कि समतल जो दर्पण होता है बने होते हैं, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई देते हैं। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। बात करते हैं नियमित तथा विसरित परावर्तन। क्रियाकलाप 16.4। कल्पना कीजिए कि चित्र 16.6 में दर्शाए अनुसार किसी अनियमित पेस्ट पर समांतर किरणें आपतित इस तरह से आपतित होती हैं। याद रखिए कि पेस्ट के प्रत्येक बिंदु पर परावर्तन के नियम मानने विभिन्न बिंदुओं पर परावर्तित किरणों की रचना करने के लिए इन नियमों का उपयोग कीजिए। क्या ये परावर्तन किरणें एक दूसरे के समांतर हैं? आप पाएंगे कि ये किरणें भिन्न भिन्न दशाओं में परावर्तित होती हैं इस तरह से। जब आप समांतर किरणें किसी खुरदुरे या फिर अनियमित पेस्ट से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। याद रखिए कि विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे जैसे विषय परावर्ती पेस्ट पर अनियमितताओं के कारण होता है। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पेस्ट से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। चित्र 16.8 में नियमित परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनता है, देख ली। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तु के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे अन्य पिंडों के नाम बता सकते हैं? कुछ अन्य पिंड हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य हो गया, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत लैंप। इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है, इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। देखिए अब बोरिंग तो लगती है, इतना तो मानिए जो भी विज्ञान की कक्षा 6वीं से लेकर 9वीं 10वीं तक है इनमें बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन क्या करना है, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि इनमें क्रियाकलाप ऐसे दिए हैं कि जो इन्हें करे बैठकर उन्हें इंटरेस्टिंग, मतलब बड़ा मजा आएगा, लेकिन अपन लोग पढ़ते हैं तो बड़ा बोरिंग लगता है, इसलिए पढ़ के निकल जाइए। मैं इसीलिए तो बोलता हूँ कि एक दो अच्छा टाइम निकालिए और एक बुक्स पूरी खत्म कीजिए, क्योंकि आपको बेस मजबूत करना है, पढ़ना है आपको। वही पूरा परीक्षा में नहीं बैठने जा रहे हैं कि कक्षा 8वीं की परीक्षा देनी है, तो आपको जो पॉइंट पकड़ना है वहां से निकल जाना है। प्रयोग जो भी क्रियाकलाप है इस तरह के तो पढ़ के निकलो। बात करते हैं परावर्तित विकास को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। स्मरण कीजिए जब पिछली बार आप किसी केस विसाधक के यहाँ गए थे तो उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था। बाल कट चुकने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे। क्या आप बता सकते हैं कि अपने सिर के पीछे के बालों को आप कैसे देख पाते थे? पहेली को याद आया कि कक्षा 6वीं में
विस्तारित क्रियाकलाप के रूप में उसने एक परिदर्शी बनाया था। परिदर्शी में दो समतल दर्पण उपयोग किए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दो दर्पणों से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने योग्य कैसे बना पाते हैं जिन्हें आप सीधे नहीं देख पाते हैं? परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। बात करते हैं बहुभितिमय के बारे में। हम जानते हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। यदि दो समतल दर्पण को संयोजन में उपयोग करें तो क्या होगा? आइए देखते हैं। क्रियाकलाप 16.5। दो समतल दर्पण लीजिए, उन्हें एक दूसरे से समकोण पर बनाते हुए इस प्रकार रखिए कि इनके किनारे आपस में मिले रहें। इस तरह से इन्हें जोड़ने के लिए आप किसी टेप का उपयोग कर सकते हैं। दर्पण के बीच एक सिक्का रखिए। आपको इस सिक्के के कितने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं? अब टैप का उपयोग करके दर्पणों को विभिन्न कोणों जैसे 45, 60, 120, 180 आदि पर जोड़िए। दर्पणों के बीच में कोई वस्तु जैसे मोमबत्ती रखिए। प्रत्येक विकिरण में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या नोट कीजिए। अंत में दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समांतर खड़े कीजिए। देखिए अब मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि केश प्रसाधक की दुकान पर आप अपने सिर के पीछे के भाग को कैसे देख पाते थे? एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंब के बनने के का की धारणा का उपयोग बहुमूर्ति दर्शी में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। आप स्वयं भी एक केलाइडोस्कोप बना सकते हैं। बहुमूर्ति दर्शी क्रियाकलाप 16.6। केलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी, 3 आयताकार पट्टी लीजिए। उन्हें चित्र 16.12A में दर्शाए अनुसार एक प्रिज्म की आकृति में जोड़िए। इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों में से थोड़ी लंबी हो। ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क में से बंद कीजिए जिसमें भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बना हो। इस तरह से डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की एक शीट चिपका दीजिए। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाइए। इस तरह से इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के कुछ टुकड़े यानी कि रंगीन चूड़ियों के टुकड़े रखिए। ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर दीजिए। रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए पर्याप्त जगह रहने दीजिए। आपको केलाइडोस्कोप तैयार है। आपका केलाइडोस्कोप तैयार है। जब आप छिद्र से झांकते हैं तो आपको ट्यूब में भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं। केलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। प्रायः दीवारों वाले कागजों तथा वस्तुओं के डिजाइन बनाने वाले कलाकार केलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। अपने खिलौने को आकर्षक बनाने के लिए आप इस पर रंगीन कागज चिपका सकते हैं। सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। कक्षा 7वीं में आपने सीखा कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। आपने यह भी सीखा है कि इसमें 7 रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं एक और क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 16.7। उपयुक्त साइज का एक समतल दर्पण लीजिए। इसे चित्र 16.3 के अनुसार
दर्शाए अनुसार एक कटोरी में रखी, कटोरी में जल भरिए। इस व्यवस्था को किसी खिड़की के पास इस प्रकार रखिए कि दर्पण पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़े। कटोरी की स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि दर्पण से परावर्तित होने वाले प्रकाश किसी दीवार पर पड़े। यदि दीवार सफेद ना हो तो इस पर सफेद कागज की शीट चिपकाइए। परावर्तित प्रकाश में आपको अनेक रंग दिखाई देंगे। आप इसकी व्याख्या किस प्रकार करेंगे? दर्पण एवं जल संयुक्त रूप से एक प्रिज्म बनाते हैं। यह प्रकाश को इसके रंगों में विभक्त कर देते हैं, जैसा कि आपने कक्षा 7वीं में अध्ययन किया। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने की प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है आपकी। आगे बढ़ते हैं, हमारे नेत्रों की संरचना क्या है? हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारी नेत्रों में प्रवेश करता है। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियों में से एक है, इसलिए इसकी संरचना तथा कार्यविधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार, नेत्र का बाहरी आवरण सफेद या कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटना से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। देखिए यह आपकी बाहरी भाग क्या है, कॉर्निया। यह आपका लेंस हो गया, परितायिका पेशी, यह आपके रेटिना, यह आपका तंत्रिका प्रकाशिक तंत्रिका। कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे परितारिका आयरिस कहते हैं। आयरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की बात कर रहे होते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइए देखें यह कैसे होता है। क्रियाकलाप 16.8। अपने मित्र की आंख में देखिए, पुतली की साइज का अवलोकन कीजिए। एक टॉर्च से उसकी आंखों पर प्रकाश डालिए। अब पुतली का अवलोकन कीजिए, टॉर्च को बंद कीजिए तथा उसकी पुतली का एक बार पुनः अवलोकन कीजिए। क्या आप पुतली के साइज में कोई परिवर्तन देख पाते हैं? किस स्थिति में पुतली बड़ी थी, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? किस स्थिति में आपको आंख से में अधिक प्रकाश भेजने की आवश्यकता है, मंद प्रकाश में या फिर तीव्र प्रकाश में? पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा है। किस प्रकार का लेंस केंद्र पर मोटा होता है, याद करिए कक्षा 7वीं में लेंस के बारे में आपने क्या पढ़ा था। लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को क्या कहते हैं, रेटिना, दृष्टि पटल। चित्र 16.14। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तंत्रिका कोशिकाओं दो प्रकार की होती हैं। पहली शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, दूसरी शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों वर्णों की सूचनाएं भी भेजते हैं। दृक तंत्रिकाएं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती, इस बिंदु को अंधबिंदु कहते हैं। इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप 16.9। किसी कागज की सीट पर एक गोल चिन्ह तथा एक क्रॉस बनाइए। गोल चिन्ह क्रॉस के दाईं ओर होना चाहिए। दोनों चिन्हों के बीच 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। कागज की सीट को नेत्र से भुजा की दूरी पर पकड़े रखिए। अपने बाएं नेत्र को बंद कीजिए। क्रॉस को कुछ देर तक लगातार देखिए। अपने नेत्र को क्रॉस पर स्थिर रखते हुए सीट को धीरे धीरे अपनी ओर लाइए। आप क्या देखते हैं, क्या गोल चिन्ह सीट के किसी दूरी तक
आने पर आदर्श हो जाता है। अब अपना दायानित बंद कीजिए। अब गोल चिन्ह पर देखते हुए उपरोक्त क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या इस बार क्रॉस आदर्श हो जाता है? क्रॉस अथवा गोल चिन्ह का आदर्श होना यह दर्शाता है कि रेटिना पर कोई ऐसा बिंदु है जो प्रकाश गिरने पर इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाता है। आगे चलते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। यह लगभग 1/16 विभाग सेकंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित की भांति चलती फिर भी अनुभव होती है। क्रियाकलाप 16.10 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए। चित्र 16.16 में दर्शाए अनुसार इसमें 2 छिद्र बनाइए। इन दोनों छिद्रों में एक धागा परोइए। गत्ते के एक ओर पिंजरा, दूसरी ओर एक पक्षी बनाइए या फिर इसके चित्र चिपकाइए। मरोड़ कर उसमें ऐंठन डालिए। अब धागे के दोनों सरों को खींचिए ताकि धागे को ऐंठन खुले व गत्ता तेजी से घूमने लगे। गत्ते के घूमते समय क्या आपको पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है? इस तरह से हम जो चलचित्र देखते हैं वह वास्तव में कुछ भिन्न अनेक चित्रों का उपयुक्त क्रम में पर्दे पर प्रेक्षण है। उन्हें नेत्र के सामने प्रायः 24 प्रति सेकंड यानी कि 16 प्रति सेकंड की दर से अधिक की दर से परिवर्तित होते दिखाया जाता है। इस प्रकार हम चलचित्र देख पाते हैं। नेत्रों की बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें प्रदान की हैं। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती हैं। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता देख सकता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती। सामान्यतः नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग आपकी कितनी 25 सेंटीमीटर होती है। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। उचित संशोधक लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्र के इन दृष्टि दोषों का संशोधन किया जा सकता है। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है या नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। इसके कारण दृष्टि कमजोर हो जाती है जो कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप ले लेता है। इस दोष को की चिकित्सा संभव है। अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को और सरल एवं सुरक्षित बना दिया। नेत्रों की देखभाल। यह आवश्यक है कि आप अपने नेत्रों को की उचित देखभाल करें। यदि कोई भी समस्या है तो आपको किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। नेत्रों की नियमित जाँच कराइए। यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। नेत्रों के लिए बहुत कम या फिर बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सरदर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। क्या आप जानते हैं जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है। इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है तब भी उसे पता लग जाता है। तितली के बड़े नेत्र होते हैं जो सहस्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। देख लीजिए नेत्र तितली के। यह केवल सामने अथवा
पास में ही नहीं बल्कि पीछे का भी देख सकती है। उल्लू रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख पाता है। इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी चील गरुड़ दिन में अच्छी प्रकार देख सकते हैं लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते हैं। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी कारण साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक तथा शलाकाएं कम होती हैं। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी सीधा मत देखिए। अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल या कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। यदि कोई सुधार ना हो तो डॉक्टर के पास जाइए। पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखिए। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर अथवा उसे नेत्रों से बहुत दूर ले जाकर मत पढ़िए। कक्षा छठवीं में आपने संतुलित आहार के बारे में सीखा था। यदि भी भोजन में किसी अवयव का अभाव है तो इससे नेत्रों को भी क्षति हो सकती है। भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। इनमें सबसे अधिक सामान्य रोग रतौंधी है, इसलिए हम अपने आहार में विटामिन ए अवयवों को सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है रतौंधी विटामिन ए की कमी से ही होती है। कच्ची गाजर, फूल गोभी, हरी सब्जियां जैसे पालक गोभी तथा कोड़ और लीवर तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे आम तथा पपीता विटामिन बी आपके विटामिन सी ए से भरपूर होते हैं। चलते हैं आगे। चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। कुछ व्यक्ति जिसमें बच्चे भी सम्मिलित हैं। चाक्षुषी दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं। उनकी वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी या किसी चोट के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनियों के को ध्यान पूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञान इंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं। तथापि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में सक्षम बना सकते हैं। पता है आपको ऊपर वाला हर आदमी में कुछ ना हर व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति हो कुछ ना कुछ तो खास देता है। मैंने देखा है, एक विकलांग को देखा है और एक आंख से बिल्कुल अंधा, दोनों आंखें उसकी नहीं थी। वो पता है कीपैड फोन होता था जब मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता था, तो मैंने देखा कि वो कीपैड फोन नहीं आता था, यही रेडमी फेडमी बड़े बड़े फोन आते थे, तो वो बिना आंखों से देखे, मतलब उसे दिखता तो वैसे भी नहीं था, तो वो कोई भी नंबर बोलिए तुम लगा देता था वो, पता नहीं कैसे। और एक विकलांग को वो इतना तेज चलता था, मतलब एक पैर से विकलांग था, वो इतना तेज चलता है कि हम लोग मतलब दौड़ने टाइप का डंडे से। चलिए आगे। और हमारे पास तो दोनों पैर हैं, आंखें भी हैं, सब कुछ है, फिर भी रोते रहते हैं। कभी उनके बारे में भी सोचिए। किसी ने क्या खूब कहा था, याद हो आपको तो कई जगह सुना होगा कि लोग जूते के लिए रो रहे हैं। उनके हाल देखिए जिनके पास पैर ही नहीं है। तो भाई जो है अपने पास उसी में खुश रहिए, अगर 10 रुपए हैं तो उसी में खुश रहिए, जो आ जाएगा उससे फिर आगे बढ़ते जाना। चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षाकृत साधन तथा प्रकाशित साधन। अपेक्षाकृत साधन
साधनों में चासुस साधन, स्पर्श साधन, स्पर्श की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके, श्रवण साधन श्रवण की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके, इलेक्ट्रॉनिक साधन सम्मिलित हैं। चासुस साधनों शब्दों को आप आवर्धित कर सकते हैं, उचित तीव्रता का विकास प्रदान कर सकते हैं तथा सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। स्पर्श साधन जिनमें बैल लेखन पार्टी तथा सलाह का सम्मिलित है। चासुस विकृति युक्ति व्यक्तियों को पढ़ने तथा लिखने में सहायता करती है। श्रवण साधनों में कैसेट, टेप रिकॉर्डर, बोलने वाली पुस्तकें तथा ऐसे अन्य साधन सम्मिलित हैं। बोलने वाले कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन भी उपलब्ध हैं, जिनसे अनेक संगणना कार्य किए जा सकते हैं। बंद परिपथ टेलीविजन भी एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है, जो मौद्रिक सामग्री को उचित बीपीआर कंट्रास्ट तथा दीप्त के साथ आवर्धित करता है। आजकल श्रवण सीडी तथा कंप्यूटरों के साथ वाक्यंत्र भी वांछित विषय को सुनने के लिए सुनने तथा लिखने में अत्यधिक सहायक है। प्रकाशिक साधनों में द्विपक्षीय लेंस, स्पर्श लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक तथा दूरबीन साधन सम्मिलित हैं, जबकि लेंसों के संयोजन चाक्षुष सीमाबंधन के संशोधन के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूरबीन साधन चौकबोर्ड तथा कुछ कक्षा प्रदर्शनों को देखने के लिए उपलब्ध है। आगे बात करते हैं बैल पद्धति क्या है। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन बैल कहलाते हैं। लुई बैल को, जो स्वयं एक चासु विकृति युक्त व्यक्ति थे, ने चासु विकृति युक्ति व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की थी तथा इसे 1821 में विकसित किया। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए बैल कोड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। बैल पद्धति में 63 बिंदु के पैटर्न अथवा छाप हैं। प्रत्येक छाप एक अक्षर, अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्हों को प्रदर्शित करते हैं। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के दो कक्षों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदु के पैटर्न नीचे दर्शाए गए। कैट एंड कॉमा। इस पैटर्न को जब बैल सीट पर उभारा जाता है तो ये चासुस विकृति युक्त व्यक्तियों को छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता करते हैं। इस पास को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है। चासुस विकृति युक्ति व्यक्ति ब्रेल पद्धति को अक्षरों से सीखना प्रारंभ करता है। इसके पश्चात विशेष छापों एवं अक्षरों के संयोजन को पहचानता है। सीखने की विधियां इस पर से पहचान करने पर निर्भर करती हैं। प्रत्येक छाप को स्मार्ट करना पड़ता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपर राइटर जैसी युक्तियां तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं। हेलन ए केरल। कुछ चासुस विकृति युक्त भारतीयों को महान उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय दिवाकर नामक एक प्रतिभा संपन्न बालक ने गायक के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया। जन्म से पूर्णतः चाक्षुष विकृति युक्त श्री रमेंद्र सिंह ने इलाहाबाद से अपनी संगीत प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने एक गीतकार, संगीतकार तथा गायक के रूप में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाया। श्री लाल आडवाणी, जो स्वयं चासुस विकृति युक्त हैं, ने भारत में विकलांगों के पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। अमेरिका की एक लेखिका एवं प्राध्यापक किया हेलन ए क्लेर सर्वविदित हैं।
तथा प्रेरक जासूस विकृति युक्त महिला 18 महीने की आयु में उन्होंने दृष्टि खो दी थी, लेकिन उनके संकल्प तथा साहस के कारण वह एक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ग्रहण कर चुक सकी। स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 में सहित उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। हेलन ए केलर। तो इसमें हम लोगों ने क्या जाना है? प्रमुख शब्द आपतन कोण देखा है, परावर्तन कोण देखा है, अंत बिंदु देखा है, ब्रेल, शंकु, स्वच्छ मंडल, कर्णिया, विसरित या अनियमित परावर्तन, आपतित किरण, परितारिका, आयरिस, बहुमूर्तिदर्शी, पार्श्व परिवर्तन, परावर्तन के नियम, पुतली, परावर्तित किरण, परावर्तन, नियमित परावर्तन, दृष्टिपटल, रेटिना, शलाकाएं। अब देखिए भाई, बोरिंग लगे चाहे कुछ भी लगे, खाना तो पड़ेगा, यानी कि पढ़ना तो पड़ेगा। अब आप देखिए डॉक्टर कितनी कड़वी दवाई देता था बचपन में, खाना तो पड़ती थी तभी तो ठीक होती थी तबीयत। तो देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, बोरिंग तो लगती है, मैं भी जानता हूँ कि बोरिंग तो लगती है बुक्स, लेकिन फिर अभी क्या कर सकते हैं। आपने क्या सीखा है? प्रकाश सभी पृष्ठों को से परावर्तित होता है। जब आप प्रकाश किसी चिकने पॉलिश किए हुए तथा नियमित पृष्ठों पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन होता है। विसरित या अनियमित परावर्तन खुरदरी पृष्ठों से होता है। परावर्तन के दो नियम हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण परावर्तन किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। किसी कोण पर झुके दो दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। बहुलित परावर्तन के कारण कैलाइडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनते हैं। सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश कहलाता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश अपने घटक रंगों में विभक्त होने का को विक्षेपण कहते हैं। हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण भाग कॉर्निया, आयरिस, पुतली, लेंस, रेटिना तथा दृक तंत्रिकाएं हैं। सामान्य नेत्र समीप तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति पढ़ तथा लिख सकते हैं। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति अपने पर्यावरण से संपर्क के लिए अपनी दूसरी ज्ञान इंद्रियों को अधिक तीक्ष्णता से विकसित कर लेते हैं। इसी अध्याय से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख सकते हैं। और जो आपकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर डाल दी गई थी, तो वहां से डाउनलोड करके रख लीजिए। एक बार अच्छे से पढ़िए और निकल जाइए, क्योंकि बार बार इसी में दिमाग मत खपाते रहिए। हिस्ट्री देखिए, ज्योग्राफी देखिए, पॉलिटी देखिए, कितना मजा आता है पढ़ने में। अगर साइंस को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखें तो इसमें मजा आएगा। क्या आएगा मजा? क्या आप जानते हैं कि नेत्रदान किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है? यह चासुर विकृति युक्त कॉर्निया अंधता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक बहुमूल्य भेंट है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी लिंग लिंग का हो सकता है, स्त्री हो या पुरुष, किसी भी आयु का हो सकता है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, चश्मा पहनने वाला हो सकता है, किसी भी सामान्य बीमारी से पीड़ित हो सकता है, लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, जलभीति, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, धनुस्तंभ, हैजरा, मस्तिष्क शोथ से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। नेत्रदान मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंतर किसी स्थान, घर अथवा अस्पताल में किया जा सकता है। जो व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है उसे अपने जीवन काल में ही किसी पंजीकृत नेत्र के बैंक के पास प्रतिज्ञा लेकर अपने नेत्र धरोहर रखने होते हैं। अपनी इस प्रतिज्ञा के बारे में उसे अपने निकट संबंधियों को भी सूचित कर देना चाहिए, जिससे उसकी मृत्यु के पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जा सके। तो ये आपका 16वां चैप्टर था। 17वें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे तारों के बारे में और सौर परिवार के बारे में।